शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर राजस्व पुलिस एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने हीरापुर की गायत्री राइस मिल में छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान मिल में सरकारी योजनाओं का लगभग 25 क्विंटल चावल पाया गया है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस प्रकरण में राइस मिल संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर राइस मिल को सील करने की कार्रवाई की गई है। जैसे कि अभी हमको सूचना मिली है, भरवेरी जो थाना प्रभारी है उनके द्वारा गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें से पीडीएस का 2-3 बोरा चावल उनको मिला राइस मिल के पास। तो राइस मिल ने भी संभावना थी कि यहाँ पर ये चावल रखते होंगे, उन्होंने खुलवा कर देखा और देखने के बाद फिर मुझे कॉल करके बुलाया। तो हमने मिलकर पूरे राइस मिल की जाँच की। जाँच में पाया गया कि यहाँ पर पीडीएस का जो चावल है, अलग अलग राइस मिल की पर्चियाँ लगी हुई, वो लगभग 25 क्विंटल चावल जो पर्ची लगी हुई है वो बोरे में प्राप्त हुई है और इसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। और जब्त करके इसकी दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो फूड सप्लाई ऑफिसर हैं उनके द्वारा पृथक से कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ से लाए सर इन्हें माल? जो भी जानकारी मिली है उनका कहना ये है कि ये चावल दूसरे मिलर से इनके द्वारा खरीदा गया है और उसकी सत्यता की भी जाँच होनी है। मुख्य रूप से ये लग रहा है कि पीडीएस का ही चावल है और ये या तो दुकानदार या परिवहनकर्ता जो है वो किसी न किसी रूप में इनको उपलब्ध कराए हैं, बाकी जांच का विषय है। अभी किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है? सिर्फ अभी तो चूँकि मालिक गायत्री राइस मिल है और उनके जो प्रोप्राइटर हैं गायत्री देवी जी हैं, उनके मतलब लड़के हितेश जी, उनसे हमने माल जब्त किया है और पूरी जो मिल है वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर आज हम इसको सील कर रहे हैं और इसके बाद पृथक से और विस्तृत जाँच भी इसकी की जाएगी। इस तरह की जो सप्लाई हो रही है और चावल अलग राइस मिल मिल रहे हैं उसका कारण क्या है? अधिकारियों से एक सूचना गई थी उनके द्वारा मुझे पहुंचाकर, ये गायत्री राइस मिल है यहाँ पर पहुंचाकर चेकिंग करवाई गई है। चेकिंग के दौरान कुछ पीडीएफ का जो चावल है वो यहाँ पाया गया है, जिस पर से तहसीलदार महोदय और फूड ऑफिसर को जानकारी दी गई है, उनके द्वारा आकर यहाँ कार्रवाई की गई। पब्लिक न्यूज़ के लिए बालाघाट से जयेश पटेल की रिपोर्ट।